इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के गूगल फॉर्म प्रैक्टिस सेट थर्ड को आज हम सॉल्व करेंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, गूगल फॉर्म लिंक के द्वारा अपना टेस्ट दें और अपना स्कोर 85% अबोव रखें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। गूगल फॉर्म प्रैक्टिस सेट थर्ड को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। जो कॉपर एटम होता है, तांबे का परमाणु, उसके तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर एटम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। तो देख लेते हैं उसके तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2, सेकंड सेल में आएंगे 8, कितने हो गए 10 बचते हैं हमारे, कितने 19 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं। तो तीसरे सेल में आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे सेल में बचता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में आता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा थर्ड ऑप्शन 18 एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द सेमी कंडक्टर मटीरियल, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। यूरेका, यूरेका एक कंडक्टर है। यूरेका से रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं। एबोनाइट, एबोनाइट एक अच्छा इंसुलेटर है जो भी वल्केनाइज रबर के द्वारा बनाया जाता है। तो एबोनाइट एक इंसुलेटर हुआ, सेमी कंडक्टर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है मैंगनीन, मैंगनीन एक कंडक्टर है जिसके द्वारा भी रजिस्टर बनाए जाते हैं। मैंगनीन का वायर होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अच्छे सेमी कंडक्टर मटीरियल हैं। तो डी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। यदि हम एसी सप्लाई को चेक करते हैं तो जो फेस टेस्टर का यूज़ किया जाता है जिसमें नियॉन बल्ब का यूज़ होता है, तो उसमें नियॉन संकेतक जो होता है, नियॉन इंडिकेशन, उसका क्या संकेत है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। शायद हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रोड ग्लो करना शुरू हो जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ओनली वन इलेक्ट्रोड विल ग्लो, ये तो बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन दिया है बोथ इलेक्ट्रोड्स विल बी फ्लिकरिंग, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोड दिए हैं वो टिमटिमाएंगे। ये हो सकता है क्योंकि एसी जो होती है वो उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है, तो वो फ्लिकरिंग करेंगे मतलब टिमटिमाएंगे, लेकिन हमारी आंखों से वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है वन इलेक्ट्रोड विल ग्लो एंड अनदर विल बी फ्लिकरिंग, मतलब एक तो अच्छे से चमकेगा और दूसरा टिमटिमाता रहेगा। ये आंसर भी गलत आंसर होगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा कि जैसे हम एसी को चेक करते हैं तो जो नियॉन लैंप होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड चमकेंगे, तो बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो, ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर्स। 500 वाट लैंप के द्वारा वो 5 घंटे में कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो फॉर्मूला होता है हमारा वाट इंटू घंटे अपॉन में उसके 1000। तो हमें वाट दिया है 500 वाट, घंटे दिए हैं 5 घंटे, इंटू में 5 घंटे कर देंगे भाग में आ जाएगा 1000। तो 5 × 500 / 1000, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आता है 2.5 यूनिट। तो फोर्थ का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट 250 वोल्ट। बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है जो 100 वाट का दिया गया है और वोल्टेज है उसका 250 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, हमें पावर दिया है और वोल्टेज दिया है। पावर का फॉर्मूला होता है P = VI, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, लेकिन यहाँ में करंट तो नहीं दिया है, तो हम करंट का मान रख देंगे ओम्स लॉ से, V = IR से, कि I = हो जाता है V/R। हमें V भी दिया है, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो P = हमारा फॉर्मूला बनता है V² / R। P की वैल्यू दिया है हमें 100 = V की वैल्यू दिया है 250, तो 250 का स्क्वायर करना है और अपॉन में आ जाएगा R। तो इसे जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू आती है 625 ओम। तो फिफ्थ का डी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच लॉ स्टेटस दैट इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। ये कह रहा है कि कौन सा नियम है जो बताता है कि किसी क्लोज सर्किट में जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होती है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करंट लॉ को बताता है और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वो बताता है वोल्टेज लॉ को। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ दिया है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है V = IR, मतलब जो वोल्टेज होती है करंट के समानुपाती होती है।
तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता है हमारा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए। तो सेकंड ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग है या आने वाली करंट का योग है वो जाने वाली करंट के बीजगणितीय योग मतलब एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये भी गलत हुआ। फोर्थ ऑप्शन आता है किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि जो किसी भी क्लोज सर्किट में जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होती है। तो डी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ टू लैंप्स रेटेड एज 200 वाट 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। दो लैंप है तो सर्किट में टोटल पावर को फाइंड करना है और ये दोनों लैंप सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू आती है वोल्टेज इनटू करंट कि आई की वैल्यू को ओम्स लॉ के द्वारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस में फाइंड कर लेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर। तो आई की वैल्यू रखते हैं वी अपॉन आर, तो फॉर्मूला क्या आता है पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है, दो लैंप है तो दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस होगा। फॉर्मूला बन जाएगा हमारा पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर वन प्लस आर टू, मतलब आर वन एक बल्ब का रेजिस्टेंस और आर टू हो जाएगा दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस। और टोटल वोल्टेज हमें दिया है 240 वोल्ट, तो वी स्क्वायर मतलब जो टोटल वोल्टेज दिया है वो 240 वोल्ट दिया है। तो अब हमें आर वन की वैल्यू चाहिए। आर वन क्या हो जाएगा पावर और वोल्टेज की फॉर्म में, आर वन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी वन, आर टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी टू। फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर वन की वैल्यू पुट कर देंगे, आर टू की वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें से वी स्क्वायर बाहर कॉमन आता है तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल आउट। तो अब क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, पी इज इक्वल टू वन अपॉन में वन अपॉन पी वन प्लस वन अपॉन पी टू। जैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला बन के फॉर्मूला आता है हमारा पी इज इक्वल्स टू पी वन पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू। अब इसमें हम वैल्यू को रख देंगे, पी वन की वैल्यू दी है 200 वाट, पी टू की वैल्यू भी 200 वाट दिया है तो 200 × 200 अपॉन में आ जाएगा 200 + 200। जैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है पी इज इक्वल टू 100 वाट। तो सेवन्थ का बी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द थ्री रजिस्टर्स आर वन आर टू एंड आर थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में तीन रजिस्टेंस कनेक्ट है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल सर्किट के लिए यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर एन तक, कितने भी रेजिस्टेंस हो पैरेलल में वैसे ही कनेक्ट होते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आर टी इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, बिल्कुल गलत है। ये फॉर्मूला हमारा सीरीज सर्किट के लिए होता है यदि कोई तीन रजिस्टर किसी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, हमें कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन ये भी गलत है क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो भी वन अपॉन में आता है, तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है आर टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये भी बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन में वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, यदि आर इक्विवेलेंट बराबर रखे तो वन अपॉन में वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री ही आता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन आर टू रजिस्टर। ओम मीटर कनेक्ट किया हुआ है आर टू रजिस्टर के अक्रॉस और आर टू रजिस्टर हमारा एक ओपन रजिस्टर दिखाया गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, इसी रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया जाए तो जितना भी करंट होता है वो शॉर्ट पाथ से बह जाता है, मतलब यदि कोई रजिस्टर शॉर्ट है तो वो उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है, किसी भी रजिस्टर को ओपन कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हमें शो होती है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ ओम मीटर लगा है और आर टू रजिस्टर है वो ओपन रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडिकेट ज़ीरो रीडिंग, ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यदि हम इसे शॉर्ट कर देते तो हमारा ए ऑप्शन एक सही आंसर होता। बी ऑप्शन दिया है इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, सर्किट ओपन हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब वहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सर्किट,
कि सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को वो शो करेगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सर्किट है यहाँ से ओपन हो चुका है। तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R3 ओनली, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल। किसी कंडक्टर के व्यास को मतलब उसके डायमीटर को दो गुना कर दे तो उसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। जो रेजिस्टेंस लो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो कंडक्टर दिया है उसके डायमीटर को दो गुना कर दें तो जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 times डिक्रीज हो जाएगा। मतलब देख लेते हैं, इंक्रीज टू 2 times, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। वो बोला है कि 2 गुना वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया डिक्रीज टू 4 times, बिल्कुल सही है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है यदि हम किसी कंडक्टर का डायामीटर 2 गुना कर दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में 4 गुना कमी आ जाती है। सी ऑप्शन दिया है डिक्रीज टू 1/2 ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू है उसका आधा कम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया नो चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर, अवरोधक का नाम क्या है। ये जो हमारे सामने रजिस्टर दिखाया गया है वायर वाउंड रजिस्टर है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेटल फिल्म रेजिस्टर, मेटल फिल्म रेजिस्टर का ये डायग्राम नहीं है, वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। बी ऑप्शन दिया है वायर वाउंड रेजिस्टर, बिल्कुल सही है, जो हमारे सामने डायग्राम दिख रहा है वायर वाउंड रेजिस्टर का है। सी ऑप्शन दिया है कार्बन फिल्म रेजिस्टर, सी ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। हमारे सामने डायग्राम दिखाया गया है एक रेजिस्टर का जिसमें उसके कलर कोड दिए गए हैं, इनके द्वारा रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारे सामने रेजिस्टर दिखाया गया है ये एक 4-band रेजिस्टर है जिसमें फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट को शो करता है, सेकेंड कलर सेकेंड डिजिट को शो करता है, थर्ड कलर मल्टीप्लायर को शो करता है, और फोर्थ कलर जो होता है वो दिखाता है टॉलरेंस को। तो कलर कोडिंग टेबल से हम इनके वैल्यू रख देते हैं, रेड कलर की वैल्यू होती है 2, ब्लू कलर की वैल्यू आती है 6, थर्ड कलर जो आता है वो आता है मल्टीप्लायर में, तो इनटू क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर की वैल्यू होती है 10^3। फोर्थ कलर दिया है टॉलरेंस, टॉलरेंस दिया है हमें सिल्वर, सिल्वर कलर की टॉलरेंस होती है ±10%। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू आती है 26×10^3 ओम ±10%। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 23×10^3 वाट, ये वाट जो यूनिट दिया है वो गलत लिखा है, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये ओम में है। तो 23×10^3 ओम ±5%, ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है 26×10^3 ओम ±10%, बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विद नॉन लीनियर स्केल। ये आई इज इक्वल्स टू आता है V/R, तो करंट जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, रेजिस्टेंस करंट के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डी ऑप्शन भी एक बिल्कुल गलत आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि यदि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो करंट का मान बहुत कम हो जाता है। तो 13 का बी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस RDC इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इफ़ PAB इज इक्वल टू 500 वाट। ये भी भाई इसमें प्रिंटिंग है, 500 वाट ना होके वो 500 ओम है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम। इफ़ PAB इज इक्वल टू 500 ओम, QBC इज इक्वल टू 300 ओम, SAO इज इक्वल टू 15 ओम एट बैलेंस कंडीशन। ओके, हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया गया है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम, RDC की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला आता है व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है P/Q इज इक्वल टू होता है S/R, तो हम वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में। तो जैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R इज इक्वल टू आता है 45, तो R इज इक्वल्स टू 9 ओम, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा, 9 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट प्रॉपर्टी। किस मटेरियल में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट प्रॉपर्टी होती है। जो कंडक्टर होते हैं
वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट प्रॉपर्टी रखते हैं कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है और यदि टेम्परेचर को घटाया जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। इंसुलेटर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट प्रॉपर्टी रखते हैं कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस के मान में कमी आएगी और यदि टेम्परेचर को कम किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस के मान में वृद्धि होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है माइका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि माइका एक इंसुलेटर और इंसुलेटर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। बी ऑप्शन दिया है यूरेका, यूरेका एक कंडक्टर है तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है कॉपर, कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मैंगनीन, मैंगनीन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से रिलेटेड कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस तीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हैं जो ओम्स लॉ से संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है करंट रेजिस्टेंस एंड पावर, ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी नहीं होती रेजिस्टेंस होता है तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस ओम के नियम में तीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हमें मिलती है। डी ऑप्शन दिया है वोल्टेज रेजिस्टेंस करंट डेंसिटी, ये भी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर टू इन द पैरेलल सर्किट, एक पैरेलल सर्किट हमें दिखाया गया है और आर टू के मान की गणना करने को कह रहा है। आर वन दिया है 8 ओम, आर टू की वैल्यू ज्ञात करनी है और आर थ्री दिया है 3 ओम। तुम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हमें टोटल वोल्टेज दिया है और टोटल करंट दिया है तो हम टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे ओम के नियम से। V इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू निकालनी है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, 24/15 तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 1.6 ओम। तो अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है, पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस दिए हैं R1, R2, R3, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पैरेलल रेजिस्टेंस का, क्या होता है 1/R eq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, वैल्यू रख देंगे कैलकुलेट करेंगे 1/1.6 = 0.625 = 1 को 8 से भाग देंगे तो आता है 0.125 + 1/R2 + 0.33 को हम ऐड कर देंगे तो आता है 0.458 और प्लस में 1/R2। अब 1/R2 को फाइंड करना है तो हम 0.458 को 0.625 के साथ माइनस कर देंगे तो 1/R2 की वैल्यू आती है 0.167। पर हमें क्या फाइंड करना है, 1/R2 नहीं, R2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0.167 का हम इन्वर्स कर देंगे तो हमारा वैल्यू आती है R2 = 6 ओम। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन सी एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विद वन ब्रांच ओपन, एक पैरेलल सर्किट दिया है उसमें एक ब्रांच को ओपन कर दिया है तो समांतर जो हमारा पैरेलल सर्किट है उसमें क्या इफेक्ट होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है करंट विल रिमेन सेम, बिल्कुल गलत होगा, यदि एक ब्रांच को ओपन कर दिया है तो उसमें तो कुछ करंट फ्लो ही नहीं होगी तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है होल सर्किट विल नॉट फंक्शन, पूरे सर्किट में कोई कार्य नहीं होगा, बिल्कुल गलत है क्योंकि जिस ब्रांच को ओपन किया है उसमें ही तो करंट फ्लो नहीं होगी ना, और जो ब्रांच है वो क्लोज है मतलब एक बंद परिपथ है उनका, उसमें तो करंट फ्लो हो रही होगी तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बिल्कुल सही है, जिस ब्रांच को ओपन किया गया है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है तो सी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज इन द ओपन ब्रांच, ओपन जो ब्रांच है उसमें वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, गलत है, उसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी तो कोई वोल्टेज ड्रॉप भी उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है, रेजिस्टिविटी की जो इकाई आती है वो आती है ओम मीटर। सी ऑप्शन दिया है ओम मीटर, बिल्कुल सही है, जो रेजिस्टिविटी की यूनिट आती है वो ओम मीटर या उसे मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो ओम मीटर हमारा एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज फॉर आर्क क्विंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर में जो आर्क क्विंचिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का हम यूज़ करते हैं, ये उससे पूछा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेरिस्टर्स, वेरिस्टर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं, सेंसिस्टर्स होते हैं सेंसिंग रजिस्टर, जैसे टेम्परेचर को सेंस करके जो काम करता है या लाइट को सेंस करके जो वर्क करता है वो हमारे सेंसिस्टर्स होते हैं, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है थर्मिस्टर, थर्मिस्टर तो बिल्कुल गलत है क्योंकि थर्मिस्टर क्या होता है वो ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा क्योंकि ओनली लाइट पर डिपेंड है, तो जो आर्क क्विंचिंग प्रोटेक्शन के लिए हम जिस रजिस्टर का यूज़ करते हैं वो होता है वेरिस्टर किसी भी सर्किट ब्रेकर में, तो 20 का ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड, तो फर्स्ट कलर दिया है हमें रेड, रेड का जो वैल्यू होता है फर्स्ट डिजिट रखनी है 2 होगा, ग्रीन कलर की कलर बैंड वैल्यू होती है 5,
थर्ड कलर दिया है मल्टीप्लायर में ऑरेंज, तो इनटू आ जाएगा 10^3। फोर्थ कलर दिया है गोल्ड, गोल्ड की टॉलरेंस होती है ±5%, तो रेजिस्टेंस वैल्यू आती है 2 5 × 10^3 ±5% रेजिस्टेंस वैल्यू आती है। दिया है हमें 2 5 × 10^3 ओम ±5%, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस RDC इन द व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट इफ PAB इज इक्वल्स टू 400 ओम, QBC इज इक्वल्स टू 200 ओम एंड SAD इज इक्वल्स टू 12 ओम एट बैलेंस कंडीशन। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। RDC की वैल्यू आएगी 6 ओम, तो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो आई है 6 ओम। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें हमें 6 ओम दिया है सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। ये जो वोल्टमीटर दिखाया गया है, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, ये वाला वोल्टमीटर जो हमें दिखाया है क्या रीडिंग को इंडिकेट करेगा, क्या रीडिंग को फाइंड करेगा। चलिए देख लेते हैं, हमें टोटल वोल्टेज दिया है 18 वोल्ट, ये यहाँ हमें वोल्टेज दिया है 18 वोल्ट जो टोटल वोल्टेज है वही इन टर्मिनल पर हमें वोल्टेज मिल रही होगी। ये हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप दिया है वो यहाँ हमें इन वोल्टेज ड्रॉप का योग हमें इस वोल्टमीटर में शो होगा। तो 18 वोल्ट है, जितना वोल्टेज यहाँ से चली है उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तीनों वोल्टेज ड्रॉप का सम टोटल वोल्टेज को दिखा रहा होगा। डी ऑप्शन दिया है 18 वोल्ट, बिल्कुल सही है, 18 वोल्ट हमारा आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का एक एप्लीकेशन बताना है हमें, चार ऑप्शन दिए हैं, मतलब उसका सीरीज सर्किट का एक अनुप्रयोग या यूज़ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्टमीटर कनेक्शन, बिल्कुल गलत है, वोल्टमीटर के कनेक्शन पैडल में किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है लाइटिंग सर्किट्स इन होम, घरों में जो लाइटिंग सर्किट बनाए जाते हैं वो भी पैडल में बनाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। यदि वो डेकोरेटिव लाइट्स की बात करता तो हमारा ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये लाइटिंग सर्किट की बात कर रहा है, डेकोरेटिव लाइट की बात उसने नहीं की है। सी ऑप्शन दिया है शंट रजिस्टर इन एमिटर, एमिटर में शंट रजिस्टर का यूज़ हम यदि करते हैं तो वो एमिटर के पैडल में कनेक्ट किया जाता है, तो बी सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर, बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर में जो हम मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। 24 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में यदि कोई रजिस्टर ओपन कनेक्ट है तो क्या इफेक्ट होगा। हमने एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिया है कि यदि किसी सर्किट में रजिस्टर को ओपन कर दिया जाए, कोई रजिस्टर ओपन है तो वो इनफाइनाइट रजिस्टेंस को शो करता है, तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर, ओपन रजिस्टर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दर्शाएगा वो। बी ऑप्शन दिया है फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन रजिस्टर, पूरे सर्किट की जो करंट है वो ओपन रजिस्टर से फ्लो हो जाएगी, बिल्कुल गलत है, उसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी क्योंकि वो रजिस्टर ओपन हो चुका है। सी ऑप्शन दिया है टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो ओपन रजिस्टर के अक्रॉस हमें अपीयर होगी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया है नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, ओपन रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज अपीयर नहीं होगी, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो रजिस्टर ओपन कर दिया गया है टोटल सप्लाई वोल्टेज जो है वो उस ओपन रजिस्टर के अक्रॉस ही अपीयर होगी, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा।